करेला काट के मैंने उसको थोड़ा सा नमक लगाया है ताकि उसका कड़वापन कम हो जाए। और ये मैंने ऑयल रखा है गरम होने के लिए कढ़ाई में, और अब इसमें मैं ये करेले को फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, ये करेले फ्राई हो रहे हैं और उसी में मैं अब ये आलू डालूँगी। आलू और करेले को थोड़ी देर के लिए इस तरह से लाल होने देंगे और उसके बाद इसमें हम ऑनियन डालेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स मैंने इसमें ऑनियन भी डाल दिए हैं। अब आलू, ऑनियन और करेला साथ में चूरता रहेगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर, तो फिर मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। इस बीच में मैं थोड़ा सा इमली डालूंगी इसमें ताकि वो इमली का खट्टापन इसमें आ जाए। अब हम इसमें थोड़ी सी इमली डालेंगे, बस इतनी इमली काफ़ी है। जब करेला इस तरह से लाल हो जाए तो इसमें हम नमक तो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डाला है, अगर डालना है तो ही डाल सकते, नहीं तो मत नमक डालिए, नमक उतना इनफ हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, एकदम थोड़ा सा हल्दी डालना है, और थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये मैंने अभी लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला एंड हल्दी डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करके वापस से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये हमारी आलू प्याज वाली करेले की सब्जी रेडी हो गई है, और आप इसका टेस्ट लीजिए फुलके के साथ। फुलके के साथ ये बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल। तो मैं इस तरह से, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं ऐसी घरेलू रेसिपी हर बार नई नई लेके आपके सामने रखूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय। रोटी में इस तरह से हल्का हल्का घी लगाइए और करेले की सब्जी का आनंद लीजिए।